चिकन हक्का कलर नूडल्स। विराजपुर नाम के गांव में बद्री नाम का एक नूडल्स व्यापार कर रहा था। कम दाम पर अच्छी क्वालिटी का चिकन नूडल्स तैयार करके बच्चों को देता था। ये जब चल रहा था तो एक दिन उसके पास उस गांव का राउडी साहू उसके आदमी गुना के साथ वहां आया। अब बद्री से साहू, क्यों भाई बद्री, सब हमें हफ्ता दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बद्री, भैया जो दाम पे मैं बेच रहा हूँ उसमें मेरे पास ही पैसे नहीं बच रहे हैं। वैसे आप ऐसे आकर मांग कर खाने के बदले कुछ काम कर सकते हो ना? तब वहाँ मौजूद गुना यूं जोर जोर से हंसकर फिर साहू से गुना, भाई आप कॉमेडियन हो इसे पता चल गया होगा, ऊपर से आपका वीकनेस भी पता चल गया होगा, इसलिए कोई काम कर लो यूं कहा होगा। साहू, अरे मेरी बॉडी वीक हो सकती है लेकिन ब्रेन नहीं, इसे कैसे सबक सिखाता हूँ देखो। अपने लड़कों को पहले चॉकलेट्स देकर फिर होली कलर्स दो, रोज इसके दुकान के पास आकर होली मनाने के लिए कहो, वो रंग इसके नूडल्स में गिरेंगे तो कैसे बेचेगा देखते हैं। यूं कहा। फिर अगले दिन से रोज कुछ लड़के बद्री की शॉप पर आकर उस नूडल्स पर रंग डालकर जाने लगे। इससे बेचारा बद्री कुछ नहीं कर सका और कलर्स गिरे हुए नूडल्स फेंक कर वहां से चले जाता था। इस तरह बद्री कुछ दिनों तक नूडल्स शॉप ही नहीं खोला। एक दिन रोड पर चल रहे बद्री के पास एक लड़का और उसके पिता आकर मिले। अब बद्री से उस लड़के के पिता, बद्री भाई आप आज कल नूडल्स की रेडी नहीं लगाए, मेरा बच्चा कल स्कूल बस से जाते वक्त तुम्हारा कलर नूडल्स को देखा, तब से मुझे सता रहा है, प्लीज भाई कुछ करके फिर से शुरू कर दो, कहकर वहां से निकल गया। वो सुनकर बद्री ये सब अपने पत्नी नीतू को कहा। वो सुनकर नीतू, ओ जी वो साहू ने ये सब किया लेकिन हमें एक अच्छा आइडिया दे दिया, हम ही अच्छे फूड कलर्स मिलाकर कलर नूडल्स बनाएंगे, बच्चों को खूब पसंद आएंगे। यूं बोली। ये आइडिया पसंद आने से बद्री फिर अगले दिन चिकन हक्का कलरफुल नूडल्स बनाकर बेचना शुरू किया। कलरफुल होने की वजह से बच्चे अच्छे से खाने लगे। बच्चे वहाँ खुशी से खा रहे थे। कुछ दिनों बाद एक दिन साहू गुना वहाँ आकर कलरफुल नूडल्स देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अब गुना से साहू, अरे ये क्या, हमारे आने के पहले ही इसने कलर डाल दिया, ऊपर से लोग उसे अच्छे से भी खा रहे हैं। गुना, भाई आप इतना भी नहीं जानते हैं क्या, वो कलरफुल नूडल्स बेच रहा है, हमारा ही दिया आइडिया से व्यापार करके लाभ पा रहा है, चलो भाई अब जाकर वसूली करते हैं। यूं कहा और दोनों मिलकर बद्री के पास जाकर वसूली मांगे। वो देखकर बद्री, देखिए हमारा साहू भाई आए हैं, अब तक यही पता है कि ये एक रौडी है लेकिन भाई तो बहुत टैलेंटेड है, जब से इन्होंने सलाह दी तब से मैं आप लोगों के लिए कलरफुल नूडल्स बनाना शुरू किया, वही नहीं भाई अपने रौडीज्म के बारे में आकर बहुत रोए, इसलिए वो रौडीज्म छोड़ दे, ऐसा हमें इनकी मदद करना चाहिए, हमारे पास अगर कोई समस्या आए तो इनके पास जाएंगे तो अच्छा सलाह देंगे, तब आप लोग इनको थोड़े पैसे देकर मदद कर देना। यूं कहा। वो सुनकर सारे लोग तालियां बजाए। कुछ देर बाद जब लोग चले गए तब बद्री से साहू, क्या रे मुझसे ही कॉमेडी कर रहे हो, ये क्या सलाह वगैरह बोल रहे हो? बद्री, अरे भैया आपको देखकर लोगों को गुस्सा आता है, अब मेरा आइडिया के वजह से आप अगर लोगों के करीब जाएंगे तो बड़ा लीडर भी बन सकते हैं, और अगर इतना सोचने के लिए आपके पास दिमाग नहीं है तो अच्छे से किताबें पढ़ लेना, अपने आप सलाह दे पाएंगे भाई। यूं कहा तो साहू अच्छे से सोचकर खुश हो गया, फिर कभी बद्री के आड़े नहीं आया। साहू फिर लोगों को सलाह देते हुए अच्छा नाम कमाया। बद्री अच्छे से चिकन हक्का नूडल्स बेचकर खुशी से जीने लगा।